प्रश्न है, बाबा जी प्रभु श्री राम ने तो कर्तापन से कार्य नहीं किया होगा, तो फिर क्या कर्म बनेगा? बाली को मरने का और उसका फल श्री कृष्ण को तीर लगा, प्रभु अगर बीज नहीं बने तो फिर क्या फल होगा? क्षमा करें कुछ गलत पूछा हो तो। बिल्कुल ठीक पूछा है, पूछना भी चाहिए। संशय ही रह गया तो बात खुलेगी नहीं, और जो संशय ही रख गया उसको बात समझ आई ही नहीं। बिल्कुल ठीक प्रश्न किया कि श्री राम कर्ता भाव से कर्म नहीं करते होंगे। कौन कहता है कि श्री राम कर्ता भाव से कर्म करते थे? आगे भी तो देखिए ना। फिर अगर श्री राम ने कर्ता भाव से कर्म नहीं किया तो श्री कृष्ण ने भोगता भाव से उस कर्म का फल कब भोगा? भोगा। राम ने कर्ता भाव से कर्म नहीं किया तो कृष्ण ने भोगता भाव से भोगा कहां? कर्ता बनोगे तो भोगना पड़ेगा। कर्ता भाव से कर्म भगवान राम ने नहीं किया तो भोगता भाव से श्री कृष्ण ने उस कर्म का फल नहीं भोगा। पौराणिक कहानियां हैं, और प्रश्न मत खड़े कीजिएगा। यद्यपि श्री राम और श्री कृष्ण एक ही व्यक्ति के दो अवतार नहीं है, दो व्यक्ति हैं, श्री कृष्ण श्री राम के अवतार नहीं है, ये समझ लें। लेकिन हमारे पुराणों में जैसी बात लिखी है वह समझाने के लिए है। मत्स्य अवतार, कूण अवतार, मैंने आपको पहले इनके सबके फंक्शन बताए थे। मछली तो अवतार हो ही नहीं सकती ना, कछुआ भी अवतार नहीं हो सकता, लेकिन उसके भीतर का रहस्य क्या था ये मैंने आपको समझाया। ऐसे ही राम तो अपनी धाम को चले गए, सरयू में जल समाधि ली, अपने धाम में चले गए। फिर कृष्ण बनकर कौन आया? जब धाम में चले गए बात खत्म हो गई। कृष्ण बनकर अवतार वही अस्तित्व आया। अगर देखा जाए तो बात एक ही, कूर्म अवतार भी उस अस्तित्व का है, मत्स्य अवतार भी उस अस्तित्व का है, राम अवतार भी और कृष्ण अवतार भी, और जो कोई अवतार होंगे बुद्ध अवतार वगैरह वगैरह, सभी अवतार उस अस्तित्व के अवतार हैं। लेकिन यहां मैं अवतारों की बात समझा ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक्शन रिएक्शन की बात समझा रहा हूं। कर्ता भाव से कर्म नहीं किया राम ने, साक्षी हो गए थे, तो भोगता भाव से फल भी तो कृष्ण ने नहीं भोगा। वक्त आया, मालूम था कि जरा नाम का शिकारी आएगा, तीर मारेगा, तैयार होकर बैठ गए, पता था ये होगा। वैसे ही पांव ऊपर रख लिया, हिरण की आंख दिखाई पड़ी, जबकि जरा पहुंचा हुआ नहीं था।
जिसने तीर मारा उसे पता नहीं था, उसके लिए तो सारा संयोजन करना ही पड़ना था ना। ये समझाने की बातें हैं शास्त्र की बातों को, लेकिन इसमें जो चीज तथ्यात्मक रूप से उभर के बाहर आती है वो है कर्म और भोग का विचार, कर्म और कर्म फल का विचार। कर्म अगर आपने साक्षी भाव से किया तो कर्म फल भी आप साक्षी भाव से ही भोगोगे। कर्ता भाव से कर्म करोगे तो भोक्ता भाव से ही भोगोगे। यही है मतलब कुल कहने का, और इसका कोई अर्थ नहीं। तो बहुत समझाया मैंने, लेकिन बार बार चूक जाते हैं श्रोता। कोई बात नहीं, मैं फिर आपको समझाए देता हूं। ये कर्म और भोग की थ्योरी, एक्शन का रिएक्शन तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। हमने दीवार के ऊपर गेंद मारी, वापस पलटेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कर्ता भाव से अगर कर्म किया कि मैंने किया, तो भोगता भाव से भोगना पड़ेगा। एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही प्रकृति के नियमानुसार। इतनी सी बात है, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। एक और प्रश्न है छोटा सा। बाबा मुझे 29/10/22 को 9 बजे अनुभव हुआ, मैंने पहले गोल गप्पे खाए, फिर वापस आने के लिए बाइक की तरफ मुड़ा तो मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। ऐसे लगा जैसे छोटे छोटे बुलबुले शरीर से निकल रहे हैं और मैं नीचे गिरने लगा। मैं अपने शरीर को नीचे गिरते हुए देख रहा हूं और मैं इतने आराम से गिर रहा हूं जैसे मुझे कोई थामे हुए है। मुझे कहीं पर कोई चोट नहीं आई, यद्यपि मैं इतने ऊंचे से गिरा, लेकिन इतने धीमे धीमे गिरा कि मुझे स्पष्ट लगा कि मुझे कोई थामे हुए है। कोई चोट नहीं लगी, कहीं दर्द नहीं हुआ, और लगभग 10 मिनट के बाद मुझे होश आया तो मैं 9:22 पर बिल्कुल ठीक ठाक था। क्षमा करना बाबा जी, एक और बात, मैंने उस दिन गांजे का सेवन भी किया था, अब आगे बंद कर दूंगा। चरणों में वंदन, कृपा दीक्षा दीजिए। गांजे का सेवन आपको पूर्ण सतोरी की झलक आपको नहीं दे पाएगा। मैंने जिस दिन ये प्रवचन कहा था उस दिन आपको आगाह किया था कि सतोरी की झलक के लिए, हल्की सी सतोरी की झलक, कि मैं कुछ नहीं करता हूं, करने वाला वो परमपिता परमात्मा है, कोई और हाथ है विशाल तो इस सारी सृष्टि को नचा रहे हैं, चला रहे हैं। एक छोटा सा रेत का कण, उसके भीतर भी एटम है और भीतर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बड़ी तेज गति से, बिजली की रफ्तार से गतिमान है। इतनी गति कौन दे रहा है इन्हें? दीवार शिथर लगती है, शिथर है नहीं। इसके भीतर की संरचना को आप तोड़ के पाओगे, जैसे ही एटम को तोड़ा गया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इतनी तेज गति से घूमते हुए सहसा वैज्ञानिकों को विश्वास ही नहीं हो। ऐसा ही जैसे वैज्ञानिक सोच नहीं सकते थे कि इस स्टील दीवार के भीतर, एक कण के भीतर इतनी जबरदस्त गति हो रही है, वैसे ही तुम अभी सोच नहीं पाते कि ये कोई और कर रहा है,
जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, अभी तुम ना समझ पाओगे, इसलिए मन बड़े सवाल पैदा करेगा, बुद्धि बहुत जगह पे उलझेगी। उलझना स्वाभाविक है, उलझने देना, हो सके कोई निदान कर सके उससे निदान पूछ लेना। सिर्फ सतोरी की झलक में आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता है, लेकिन इतना स्पष्ट नहीं जितना कि आप गांजे के सेवन से अगर उसे देखोगे। एक बार आपने सेवन कर, आगे से सेवन नहीं करेंगे। मैंने इसीलिए आपको भगवान शंकर के हाथों में बहुत से प्रश्न आए थे मेरे पास कि ये गांजा और ये भांग क्यों बंगेड़ी गंजेड़ी कहते हैं शंकर भगवान, उसका रहस्य समझाने के लिए मैंने बात की थी। इसीलिए नहीं कि आप भी बंगेड़ी और गंजेड़ी बन जाओ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अन्यथा तुम बार बार उस चीज की डिमांड करोगे, एक और आनंद का अनुभव आप खोज लो क्षणिक, जैसे आप अन्य आनंद के अनुभवों में बार बार उतरने की आकांक्षा रखते हो, बार बार स्वादिष्ट चीजों को खाने की इच्छा रखते हो, भोगने की इच्छा रखते हो, अंतरंग क्षणों में उतरते हो, जिन चीजों में आपको सुख मिलता है बार बार दोहराने की चेष्टा करते हो, वैसे ही एक अनुभव और जुड़ जाएगा। इसे कहते हैं लत पड़ना, लत पड़ जाएगी आपको, जो कि जिसके परिणाम हानिकारक होंगे। मैंने आपको इसीलिए इसका रहस्य समझाने के लिए बताया था, इसीलिए नहीं कि आप इसका बार बार सेवन करना शुरू करते हैं। आपने लिखा कि आगे से सेवन नहीं करूंगा, एक बार सेवन कर लिया, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही करना, लेकिन गांजे के सेवन से या भांग के सेवन से जो आपको सतोरी दिखेगी कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो कोई और हाथ कर रहे हैं, बस इतना सा दृष्टांत ले लो तो भी सहायक है, लेकिन ये सतोरी फाल्स है। सतोरी भी दो तरह की होती है, एक तो तुम्हें जो सतोरी दिखी, अन्य भी कई व्यक्तियों को सतोरी इसी तरह की दिखी गांजे और भांग के सेवन से, लेकिन इसकी लत मत डालना, ये नुकसानदायक भी हो सकती है। एक सतोरी की झलक मिली बाबा नानक को, तेरा तेरा वो असली सतोरी की झलक थी, बिना किसी नशे के सेवन से। वो सतोरी की झलक में जाने का प्रयास करो। कैसे जाओगे? ध्यान के उन अंतरंग तलों को छू के, ध्यान में गहरे उतरने की कला सीख के। जैसे जैसे गहरे उतरोगे आपको सतोरी की झलके मिलनी शुरू हो जाएंगे। सो ठीक, बिल्कुल ठीक दिखा जो दिखा, लेकिन वो बेहोशी में दिखा। बेहोशी में दिखने का अर्थ यही है कि आप आधा सोचोगे कि ठीक था, आधा सोचोगे कि गलत था। आप उलझन में फिर भी उधेड़ बुन में बने ही रहोगे, लेकिन जो बाबा को झलक मिलती है, गुरु नानक को जो झलक मिलती है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती। वो है असली सही सतोरी, शुद्ध सतोरी। वो मिलेगी आपको ध्यान में, अपने ही भीतर गहराइयों में उतरने से। वही रिद्धियां, वही सिद्धियां, वही सब कुछ मिलेगा। बार बार मैं कहता हूं, इन रिद्धियों और सिद्धियों में उलझ मत जाना, अन्यथा तुम भी इकट्ठ कर लोगे लाखों लोगों का, और उससे आपको अपनी मंजिल न मिल पाएगी। आप भी बहकोगे, दूसरों को भी बहका दोगे। ना अपना वक्त खराब करो, ना दूसरों का वक्त खराब करो। सो सतोरी की झलक अगर किसी द्रव्य के, ड्रग के सहारे से ली जाती है, तो वो सतोरी की झलक असली नहीं होती। जैसे समाधि की झलकें भी मिल जाती हैं LSD वगैरह के प्रयोग से,
लेकिन वो समाधि की झलक असली झलक नहीं होती। जैसे ही एलएसडी का प्रभाव समाप्त होता है, आपको पक्का नहीं होता कि ये हमने अनुभव किया, और पक्का ना होना आपको तब्दील नहीं कर पाता। ये बात समझ लेना। पक्का पक्का जब साफ दिखे कि उस पर्दे जीने जीने पर्दे से बिल्कुल पार, वो देखो बैठा परमपिता परमात्मा। साफ साफ दिखे ये पर्दा हट जाए, ये घूंघट उठ जाए, और जैसे ही ये घूंघट उठेगा वैसे ही पिया का मिलन हो जाएगा। इस घूंघट के पट को उठाओ। गांजे के सेवन से, एलएसडी के सेवन से नहीं, अपनी ही ऊर्जा से आत्यंतक प्रवाहित होकर, अपने ही भीतर उस ऊर्जा को प्रवाहित करके, इंद्रियों की तरफ ऊर्जा का प्रवाह रोक के, उस ऊर्जा को इकट्ठे करके, कंडेंस करके, उस ऊर्जा का इस्तेमाल करो बहर गमन करने के लिए नहीं, अंतर गमन करने के लिए। और जैसे ही आप उसका अंतर गमन करोगे, आप धीरे धीरे भीतर के आनंद में मस्त हो गए। और वो मस्ती ऐसी है, वो लत ऐसी है जो किसी कीमत पर छोड़ी ही नहीं जा सकती। जिन्हें नशे जहान दे उतर जान प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो नशा ऐसा, वो मस्ती ऐसी, जरूर ऐसा, वो मदहोशी ऐसी कि कभी नहीं उतरती, बस एक बार पीनी पड़ती है। उस मैं को एक बार गटकना होता है, बार बार नहीं। रोज आपके कदम मैखाने की तरफ नहीं उठेंगे। सो इस अनुभव को जागृत अवस्था में देखो, मूर्छा में नहीं। मूर्छा में देखने का फल तो होगा थोड़ा, लेकिन किंचित मात्र, वो आपको कहीं भी बहका सकता है। जैसे आपकी मान्यताएं कोई भी तोड़ देता है, ऐसे ही आपकी मान्यताएं, किसी ने भी कहा कि आपका ये तो हेलुसिनेशन था, आपका मन टूट जाए, पक्का नहीं। लेकिन सतोरी की झलक जिसे मिल गई, संबोधि की झलक जिसे मिल गई, समाधि में जो उतर गया, वो कोई हेलुसिनेशन नहीं है। लाख लोग दुनिया पुकारती रहे, ये भ्रम है, ये जाल है, ये माया है, लेकिन आप की आपने घूंघट का पट उठा के उस पिया के दर्शन कर लिए। घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। कटुक वचन मत बोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे। धन्यवाद।